वेलकम टू एस एन चौधरी फिजिक्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेंस। आप सभी का वेदी गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लेंस स्टार्ट करने वाले हैं और लेंस का बेसिक, यदि आप ट्वेल्थ के लेवल पर चलते हो तो बच्चे लेंस मेकर फार्मूला लर्न करके चलते हैं, लेंस फार्मूला लर्न करके चलते हैं। लर्न करने से ये नहीं होता है, आपको मेथड पता होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कि सर मैंने तो बुक से टोटल डायग्राम ऐसे कैसे टिप दिए। बेटा बुक से टोटल टिप दिए लेकिन उसमें आपको सिंबल ही नहीं पता है, तो टीचर को पता चल जाता है कि भाई ये नकल मार के लिखा है या रूल के। रूल के हिसाब से चलोगे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो टीचर मान लेंगे। अब बिना रूल से ऐसे टिप के लगा दिए तो टीचर को पता चल जाता है कि भाई ये ऐसे ही खींचा है, इसके पास नॉलेज नहीं है। तो आज हम लेंस स्टार्ट करने वाले हैं। बुक के हिसाब से तो दो तीन क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब आप थॉट जानते हो तो तब आप पूरा पूरा लेंस पढ़ो। व्हाट इज लेंस, यहीं से मैं स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले। और वीडियो आपके पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो, क्योंकि हो सकता है किसी ज़रूरतमंद बच्चे को भी इसकी ज़रूरत हो, जिसने ट्यूटर हायर नहीं किया तो उन लोगों के पास भी चला जाए। मेरा पर्पस ये नहीं है, हम कहते हैं मेरा वीडियो देखो सब्सक्राइब करो, मेरा पर्पस है ये मेरा वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास जाए और अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठाए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं लेंस। यहाँ पर लेंस क्या चीज़ है, अब इसका मान लो हम यहीं से चलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं व्हाट इज लेंस। अब इसके बारे में पॉइंट नंबर वन, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, सराउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर प्लेन और स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब हो गया लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से घिरे रहते हैं, और यदि दो स्फेरिकल नहीं रहेगा तो आपके एक स्फेरिकल और एक प्लेन रहेंगे। सेकंड में फर्स्ट प्लेन स्फेरिकल रह जाएंगे तो दूसरा प्लेन होगा चाहे स्फेरिकल होगा। अब इसका एग्जांपल देख लो, मान लो सिंपली ये हमने बना दिया एक स्फेयर और ये दूसरा स्फेयर। तो बेटा बच्चे में आप लोग कंचे खेले हो, कुछ लोग उसको कंचा कहते हैं, कुछ लोग गोली कहते हैं, शीशे की गोली खेलते हैं। आप जब ख़रीदने जाते हो तो देखते हो गोल गोल वाला शीशा एकदम चाहिए सुंदर सा, लेकिन कभी कभी देखते हो दो गोली एक साथ चिपके रहते हैं या दो कंचे एक साथ चिपके रहते हैं, तो वो इस डिज़ाइन में बन जाता है। अब इसमें से अब देख लो मुझे लेंस बनाना है तो हमने क्या किया, ये पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया, ये पोर्शन कट करके निकल गया, ये दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा हुआ है देख लो। और कभी कभी आप देखते हो ऐसा होता है चिपका हुआ, जैसे हमने बताया दो स्फेयर था बीच में मटेरियल आ गया, ग्लास यहाँ भी भर गया, इसमें से कट करके यदि आप इसको बाहर निकालते हो ये आपके लेंस, ये भी दो स्फेरिकल सरफेस से हो गया। कभी कभी आपके देखते हो ऐसे भी होते हैं, इसको कहते हैं कन्वेक्स, अभी सिंपली ये सीखो कन्वेक्स, इसको कहते हैं कॉनकेव। और एक और भी दिखाता हूँ, जब मैंने प्लेन सरफेस बोला है तो मान लो ऐसे भी हो सकते हैं ये और ये, ये हमारा हो गया प्लेनो प्लेनो कॉनवेक्स, ये प्लेनो कॉनवेक्स हो गए। इस तरह के भी लेंस हम देखते हैं, अलग अलग टाइप के लेंस हमने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे बात समझ में, सेकंड पॉइंट इसी का देख लो, द कॉमनली
आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे ज़्यादा कौन सा लेंस यूज होता है। द कॉमनली यूज लेंसेस आर कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। आप इंट्रोडक्टरी में ये आपके दो पॉइंट बना दिए। अब आपके इसी तरह से देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपके हम चलते हैं इंट्रोडक्टरी में तीसरा, काइंड्स ऑफ लेंस, काइंड्स ऑफ लेंसेस। द लेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा हो गया कॉनवेक्स लेंस और कन्वर्जिंग, इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरा हो गया हमारे पास एंड काइंड्स ऑफ लेंसेस में द लेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, कन्वेक्स लेंस एंड कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर आपके नेक्स्ट है आपके कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। आपके ये दो टाइप के हो गए। अब इसी में देखते हैं फोर्थ पॉइंट में। यहाँ पर फोर्थ में देखो, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस के बारे में इंट्रोडक्टरी देखो क्या क्या हो सकता है। ए, द लेंस हुज मिडिल पार्ट इज थिक इज अ कॉनवेक्स लेंस। ऐसे लेंस जिसके बीच में थिक है, तो देख लो बेटा बीच में इसका मोटा है और इसका बीच में पतला है। अब यहाँ पर ऐसे लिख दिए या नेक्स्ट में आप ऐसे भी नोट कर लिए ये। और इसी का दूसरे ढंग से अ लेंस हुज बोथ सरफेस आर अ लेंस हुज बोथ सरफेस आर बल्ज कहते उठा हुआ रहता है। आर बल्जेज इज कॉल्ड अ कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास हो गए कन्वेक्स लेंस के। अब आपके नेक्स्ट में आप देखो, यहाँ पर इस साइड आ जाओ। सी पार्ट देखो, कन्वेक्स लेंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला पार्ट डबल कन्वेक्स, ये देखो आपके डबल कन्वेक्स का हमने ये बना दिए, दोनों सरफेस स्फेरिकल है। सेकंड है आपके प्लेनो कन्वेक्स आपने लिखा, जिसका एक सरफेस प्लेन होगा एक सरफेस कन्वेक्स होगा। अब इसमें आपके प्लेनो दिए, ये हमने बना दिए, इस तरह से ये हो गए। थर्ड, इसी में आपके देखते हो कॉनकेवो कॉनवेक्स, इसमें जैसे आपने ये बना दिए
और इस तरह से जैसे चंद्रमा होता है, मून होते हैं, उसका ये डिजाइन दे दिए। डी में ये कन्वेक्स लेंस का था, अब आप आ जाओ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस और लेंस हुज मिडिल पार्ट इज थिन इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। जिसका मिडिल पार्ट, देख लो बेटा ये डायग्राम बना दिया हमने, इसके आपके मिडिल पार्ट, बीच का पार्ट पतला होता है, थिन होता है, इसको हम कहते हैं। या इसी को ऐसे कर सकते हो, वहाँ बल्जेज था, यहाँ पर हमारा हो गया गर्थ, जैसे गर्थ में आ गए दोनों पार्ट जैसे हैं। इट इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स, ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, ये हमारे पास हो गए। दूसरा प्लेनो कॉनकेव, ये आपके हो गए। और तीसरा हमारे पास हो गया कॉनकेव। अब आपके ये आपके देख लो उठा हुआ पोर्शन है, और ये अब आपको देखते हो जिस लेंस का दोनों सरफेस उठा हुआ है कन्वेक्स है, जिसका दोनों सरफेस दबा हुआ है कॉनकेव है। मोटे तौर पर देखते हैं कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव में, कहेगा आंख बंद करके छू के बताओ, तो भाई जिसका बीच में मोटा रहेगा हम कन्वेक्स कर देंगे, जिसका बीच में पतला रहेगा हम कॉनकेव कर देंगे। ये दोनों में अंतर है, ये डिस्टिंग्विश है। इस तरह से आपने इसका इंट्रोडक्टरी ये देख लिए। अब इंट्रोडक्टरी के भीतर में ये सारे पॉइंट आ गए आपके। अब इसके बाद आपको नया नया टॉपिक चलते हैं, बेसिक्स ऑफ बजाय इसके। अब आपके सिक्स था, तो सेवंथ पॉइंट पर आ जाओ। अब यहां पर देखते हैं है। अब आपके देख लो प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर हम देखते हैं अलाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू स्फेरिकल, अलाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, मान ले ये एक स्फेयर है, अब यहाँ पर ये आपका स्फेयर हो गया, दूसरा स्फेयर आपके ये हो गए, ये आपने बना दिया। इस स्फेयर का सेंटर ये है C1, और इस स्फेयर जनरली ये ध्यान रखना C1 किसको लिखे, C2। लाइट जिधर से आते हैं, जिस सरफेस पर आते हैं, उसके सेंटर को हम मान लो C1 C2 कह देते हैं। यहाँ पर हमारे पास तब हो जाएगा C1, ये हो जाएगा हमारा C2। अब यहाँ पर इनसे ये लाइन हमने पास किए हैं, ये लाइन हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। दो सेंटर को जोड़ते हैं, इसी तरह से आप ये बनाते हो। यहाँ पर मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर, यहाँ लाइट इस सरफेस पर गिरता है पहले, इसका C1 इधर होगा, C2 इधर,
इससे पास होने वाला जो लाइन है ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट लाइन पॉइंट में देखो सेवंथ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस, किसी लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बता रहे हैं। अब आपके पाला देखो, द सेंटर्स ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, द सेंटर्स ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ अ लेंस, लेंस को बनाने वाला जो स्फेरिकल सरफेस है उसके सेंटर को, द सेंटर्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ ए लेंस आर कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर बेटा जरा ध्यान देने वाली बात क्या है, हेयर जैसे डायग्राम बना देते हैं, बी अ लेंस हैज, अ लेंस हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, इट इज दे आर C1 एंड C2। अब हम यहाँ एक लेंस बना दिए हैं, यहाँ पर देख लो ये C1 है, ये हमारा पास C2 है, बाहर निकालने पर हम इसी लाइन को ऐसे दिखाते हैं C1 और C2। अब यहाँ पर जैसे निकाल दिए बेटे ये पोर्शन लेंस का आपने बना दिया, या इसी में दिखा दिए कनकेव वाले में, आपके ये हमारा C1 हो गया, यहाँ से लाइन पास किए, ये हमारा C2 हो गया, तो हमने क्या लिखा है, लेंस है टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे आर C1 एंड C2। अब यहाँ तक तो बच्चे समझ जाते हैं क्योंकि मिरर भी यहाँ तक पढ़े थे, अब यहीं पर थोड़ी ट्रिकी है, इन केस ऑफ लेंसेस डी में देखो, अब ये थोड़ा सा पॉइंट ज़रा ध्यान देना, इन लेंसेस C1 इज जनरली, C1 मीन्स सेंटर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 इज जनरली डिनोटेड बाय 2F एंड C2 इज डिनोटेड बाय 2F-। आए बात समझ में, अब लेंस में F2F कहाँ से आ जाते हैं, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, हाँ सर ने कहा लगा दो, अरे भाई सर के कहने से नहीं, आप ढूंढो उसमें है क्या चीज़। अब हम आपको दिखाते हैं, ये एक लेंस हमारे पास हो गया, अब देखो कहाँ तक आपके समझ में आ गया, ये लेंस है, मान लो इधर से ये स्फीयर जाता तो इसका एक सेंटर, ये स्फीयर इधर से जाता ये इसका एक, यहाँ से जितना डिस्टेंस ये लेते हो ठीक उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर हम लिए C1 और C2। अब ये C1 C2 जो है इसी को यहाँ पर हम 2F कहते हैं और इसको यहाँ पर हम 2F-डैश कहते हैं, जो पुराने मॉडल की किताब है वहाँ C1 C2 मिल जाएंगे, लेकिन आज के कुछ किताबों में मोस्टली किताबों में 2F और 2F-डैश लिखा रहता है। अब बच्चे ये क्या चीज़ है पता नहीं, सर ने कहा ऐसा लिखो तो लिख दिए, लेकिन आप समझो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C1 को 2F से शो करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसी तरह से आप कनकेव लेंस में चलते हो तो कनकेव लेंस में आपका जैसे ये हो गया, ये इस स्फीयर का ये सरफेस है C1 और इधर के स्फीयर का सरफेस है ये हमारा C2, यहाँ पर C1 को हम 2F से शो करेंगे और इसको हम 2F-डैश से शो करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है। आगे बात समझ में, इसका कुछ F का यहाँ पे नाम होता है, जैसे C1 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, F का
नहीं यहाँ वो यहाँ पर एक कौ के साथ फिर आखिर माना क्यों? तो रियल में फोकस का डबल होता है, तो फोकस को हम एफ कहते हैं तो उसके डबल को हम टू एफ बोल देते हैं। लेकिन रियल में ये है क्या चीज़? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस है, सराउंडिंग बेस। अब यहाँ तक आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में सीख लिए। अब नेक्स्ट चलो पॉइंट एट। अब इसमें आपके होते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर जो लिखते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, इस सब में एक एक दो दो पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सिंपली अ पॉइंट, यहाँ पर पहला अ पॉइंट इनसाइड इनसाइड द लेंस लाइंग ऑन द प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस A point inside the line, inside the lens, lying on the principal axis, through which, an incident ray passes without deviation. जो बिना डेविएशन के पास कर जाते हैं। अब आप देखते हो इसका पॉइंट इनसाइड, मान लो बेटा ये लेंस है हमारे पास, इस पर एक रे ऐसे गिरा, यहाँ ध्यान दो ये रिफ्रैक्ट हो गया यहाँ पर और यहाँ से फिर ये ऐसे निकल गया, तो इसमें बताओ अब से ये डेविएशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ डेविएशन, नहीं हुआ डेविएशन, इसलिए नहीं हुआ भाई नॉर्थ में जा रहे हैं तो नॉर्थ में ही जा रहे हैं। पैरल ये और ये रे पैरलर है, इसको हम डेविएशन नहीं मानते, इसको लेटर। हेयर हेयर देयर इज नो डेविएशन बट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डेविएशन नहीं हुआ बल्कि लेटरली डिस्प्लेसमेंट हो गया। आगे बात समझ में? अब यदि इसका हम पॉइंट मान के चलेंगे तो जिस पॉइंट से हम लेके चलते हैं अब यहाँ पर मान लो एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारे पास, इस पॉइंट को बेटा ऑप्टिकल सेंटर को हमने यहाँ नोट नहीं किया, ऑप्टिकल सेंटर को कुछ बुक वाले ओ से शो करते हैं, कुछ बुक वाले अलग से करते हैं, यहाँ पर हम आपको सी से शो करते हैं। यहाँ पर देख लो ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहाँ से यदि हम रे को पास कराते मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर हमने कंसीडर किया, ये सी है हमारे पास और ये इस पोर्शन को इसको टच करने वाला सरफेस ये है। देख लो इस सरफेस को यहाँ से यहाँ तक ये टच है P1 और इधर वाले सरफेस को हम कहते हैं P2। यहाँ पर क्या हो जाएगा CP1 लेंथ हो गया ना बड़ा C से P1 तक और C से P2 तक, इन दोनों का रेशियो निकालते हो रेशियो निकलेगा CP1 अपॉन CP2 दिस इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू, ये कंडीशन है, ये रेशियो सही है तो आपका इसका मतलब रिजल्ट सही आ रहा है, कांस्टेंट है, मान लो आर वन बाय आर टू का कांस्टेंट है तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखो फॉर ए थिन लेंस, ये तो आपके मोटे से लेंस है उसके लिए हम जनरल दिखाए थॉट। सेकेंड पॉइंट इसी में लिख लो B, for a thin lens,
थिन लेंस ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर लाइंग ऑन द थिन लेंस ऑप्टिकल सेंटर लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच फॉर थिन ऑप्टिकल सेंटर इज, यहाँ छोड़ इज लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच एन इंसिडेंट रे पासेस विदाउट डेविएशन, यहाँ भी हम लिख रहे हैं विदाउट डेविएशन, लेकिन इस केस में हमने क्या लिखा है स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। अब आपके देखो बेटा, जैसे ये आप कन्वेक्स लेंस लेते हो और यहाँ पर हमारे पास ये लेंस को डिवाइड कर दिया हमने इस तरह से, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब आप डायग्राम बनाते समय क्या करते हो, रे डायरेक्ट इससे पास कर देते हो। यहाँ पर हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिखाया है, तो बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो हम ड्रॉ करते नहीं हैं। तो रियल में मोटा लेंस है, मोटा हो पतला हो तो ऐसे कंसीडर करते हैं, जब लेंस बहुत पतला हो तब हम लेटरल भी यहाँ इग्नोर कर देते हैं और रेज को स्ट्रेट पास कर देते हैं। ये चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, यहाँ देखो हम इस तरह से बना दिया है। ये प्रिंसिपल है, ये सी है, इधर आपके सी वन दैट इज टू एफ और इधर हमने सी टू दैट इज टू एफ डैश लिए हैं। यहाँ से जो भी रेज पास करेंगे देख लो स्ट्रेट निकाल देते हैं। आगे बात समझ में। अब ऑप्टिकल सेंटर के पास देखो, अब आपके नाइन्थ पॉइंट पर आ जाओ। अब आपके आ गए फोकस। फोकस क्या चीज है देख लो, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस when passes through a lens, an incident ray parallel to the principal axis when passes through lens intersects principal axis at a point after refraction and incident ray parallel to the principal axis when passes through lens, कोई incident ray है जो principal axis के parallel pass करते हैं lens से, when passes through principal axis it intersect principal axis at a point after refraction, this point is called focus or principal focus. Focus of the lens. जैसे एग्जाम्पल देख लो बेटा, यहाँ डायग्राम में देखो, ये हमारे पास अब आपको हम इतना बता चुके हैं ऑप्टिकल सेंटर को, यहाँ हमने सी लिखा, इधर हमने 2f डैश और इधर उतने डिस्टेंस हटा 2f डैश ये लिख दिया। यहाँ तक हमें मालूम, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये आ गया। व्हेन पासेस थ्रू लेंस,
ये लेंस को इस पॉइंट पर कट करता है, दिस इज अप। रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करता है उसी को हम फोकस कहते हैं। इसी में आपके पार्ट ए दूसरा डायग्राम देख लो कनकेव का, ये कनकेव है। अब यहाँ पर ये पॉइंट है जो प्रिंसिपल, ये आपके पैरेलल आया, यहाँ से पास करेंगे यहाँ तक भीतर तक दिखाई, ये आपके इस डायरेक्शन में चला गया। बढ़ाने पर यहाँ पर ये पीछे बढ़ाने पर एफ पर कट करते हैं, ये इसका हो गया फोकस, ये टू एफ और ये आपके एफ डैश और टू एफ डैश। आगे बात नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट लिख लो इसी में, इट इज बी में इट इज डिनोटेड बाय एफ, इसे हम एफ से शो करते हैं। आगे बढ़े समझ में। लाइन के बाद आप नेक्स्ट में देखो अब आपके फोकल लेंथ, आपके हो गए फोकल लेंथ जैसे हमने दिए पहला पार्ट